नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति टॉप 20 में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी 20 बड़ी खबरों की। 20 दिसंबर से मुजफ्फरपुर बिहार में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 24 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में कथावाचिका देवी चित्रलेखा जी लोगों को ईश्वरीय भक्ति से जोड़ने का करेंगे प्रयास। कल ठाकुर प्रियाकांत जू मंदिर वृंदावन में मनाया जाएगा मार्गशीर्ष पूर्णिमा महोत्सव। इस महोत्सव में पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज लोगों को मार्गशीर्ष महीने में भजन पूजन के महत्व से कराएंगे अवगत। 26 दिसंबर से लखनऊ में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 1 जनवरी तक चलने वाली इस कथा में पूज्य श्री श्री 1008 इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। कल से मरीन लाइंस मुंबई में आरंभ होगी श्री राम कथा। 26 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्य मुरारी बापू जी लोगों को प्रभु श्री राम के बताए मार्गों पर चलने की प्रेरणा देंगे। 22 दिसंबर से महोबा उत्तर प्रदेश में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 28 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे। अगले साल 5 जनवरी से वडोदरा गुजरात में लीजिए आनंद श्रीमद् भागवत कथा का। 11 जनवरी तक चलने वाली इस कथा में पूज्य भाई श्री लोगों को भागवत के रहस्यों से अवगत कराएंगे। 3 जनवरी से जोधपुर में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 9 जनवरी तक चलने वाली इस कथा में पूज्य भूपेंद्र भाई पंड्या जी महाराज लोगों को धर्मनिष्ठ बनने की देंगे प्रेरणा। 26 जनवरी से आदिलाबाद तेलंगाना में शुरू होंगे मां कृपा कथा एवं गौ पूजन कार्यक्रम। 2 फरवरी तक चलने वाले इस कथा में पूज्य गौ भैरव उपासक संत श्री लोगों को गौ माता की महिमा से अवगत कराएंगे। 20 दिसंबर से चंबा टिहरी में आरंभ होगी श्रीमद् देवी भागवत कथा। 28 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्य पंडित सुरेश नौटियाल जी महाराज लोगों को माता के विभिन्न स्वरूपों की महिमा से अवगत कराएंगे। 21 दिसंबर से श्रीधाम वृंदावन में गौलोकवासी पूज्य श्री रसिका पागल बाबा जी का मनाया जाएगा निकुंजोत्सव। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बाबा के शिष्य उन्हें कीर्तन भजनों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 21 दिसंबर से महोबा उत्तर प्रदेश में आरंभ होगी श्री राम कथा अमृत वर्षा। 29 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में परम पूज्य संत प्रवर श्री विजय कौशल जी महाराज लोगों को प्रभु श्री राम के बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देंगे। आप कथा दोपहर 1 बजे से शुभ टीवी पर देख सकते हैं। मोक्ष की कामना मनोवांछित फल की प्राप्ति की कामना से साधु संत कल्पवास करते हैं। इस बार कल्पवास 17 जनवरी से शुरू होगा जिसमें बड़ी संख्या में संगम के किनारे लोग धुनी रमाएंगे और भजन पूजन में लीन रहेंगे। 19 दिसंबर से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में आरंभ होगी नवदा भक्ति कथा। 25 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पुराण मनीषी परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज लोगों के ज्ञान भक्ति और वैराग्य को सक्रिय करने का प्रयास करेंगे। आप सुबह 9:30 बजे से सत्संग चैनल पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। 27 दिसंबर से करनाल हरियाणा में आरंभ होगा दिव्य गीता सत्संग। 31 दिसंबर तक चलने वाले इस कथा में परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज गीता के उपदेशों के माध्यम से लोगों को सत्कर्म के मार्ग पर अग्रसर करने का प्रयास करेंगे। आप दोपहर 4 बजे से सत्संग चैनल पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। 23 दिसंबर से अयोध्या उत्तर प्रदेश में आरंभ होगी श्री राम कथा। 31 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज लोगों को दिखाएंगे ज्ञान की राह। आप सुबह 10 बजे से शुभ टीवी पर इस कथा को देख सकते हैं। सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध कुमाऊं के कटारमल गांव को आध्यात्मिक गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत 13 करोड़ रुपए की लागत से गांव को बसाया जाएगा। 21 दिसंबर से जोधपुर राजस्थान में आरंभ होगी श्री राम कथा। 29 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्या महामंडलेश्वर मां कनकेश्वरी देवी जी लोगों को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने का प्रयास करेंगी। आप सुबह 10 बजे से संस्कार टीवी पर इस कथा का प्रसारण देख सकते हैं। 24 दिसंबर से कर्नूल आंध्र प्रदेश में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 31 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्य भाई श्री भागवत के रहस्यों से हम सभी को अवगत कराएंगे। आप दोपहर 3:30 बजे से संस्कार चैनल पर इस कथा का प्रसारण देख सकते हैं। 24 दिसंबर से जावर सीहोर में आनंद लीजिए शिव महापुराण कथा का। 31 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्य महेश गुरु जी महाराज लोगों को भगवान शिव की महिमा से अवगत कराएंगे। संगम के तट पर लगने वाला देश का सबसे बड़ा माघ मेला
14 जनवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में माघ मेला क्षेत्र में आने वाले संतों को भूमि आवंटन का काम 22 दिसंबर से किया जाएगा ताकि वे अपनी व्यवस्था बना सके। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें। धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि हो रही हो तो आप उसकी जानकारी हमें दें info@sanskargroup.in पर। उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।